देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज क्लास का हमारा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। इसको रोटेशनल मोशन चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मतलब इसमें हम पार्टिकल के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एक होती है बल्क बॉडी, है ना, रिजिड बॉडी, अलग अलग टाइप की बॉडीज़ होती हैं और उनके हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, ये पत्थर है ना। पत्थर को आप दबाओगे, आप यहाँ से दबाओगे, इसको पुश करोगे, क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। मतलब ये पत्थर डिफॉर्म नहीं हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा जोर से दबाया, हथौड़े से मार दिया, तो फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मगर डिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो ऐसी बॉडी जिनमें दो पार्टिकल अपना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसके पत्थर के कोई भी दो पार्टिकल जितने पे हैं उतने पे ही रहेंगे, ना ज़्यादा पे जाएंगे ना कम पे जाएंगे। आपने कभी देखा कि कोई पत्थर खींच करके लंबा हो गया? नो, कभी पत्थर तो बड़ा नहीं होता है, आटे की लोई थोड़ा ना कि खींच के बड़ा कर दिया, समझ गए ना। तो ऐसी बॉडी जो जिसके पार्टिकल टस से मस ना हो, उन बॉडीज को बोलते हैं अपन रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। अगर आप उन पर फोर्स लगाओगे तो वो ब्लास्ट हो जाएंगी, फूट जाएंगी, क्रश हो जाएंगी, क्रश है ना, मगर उनमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, समझ गए ना। तो ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। अब मैं जो कह रहा था, एक काम करो कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक धागा डाला बीच में से, खोल करके सुराख करके इसमें धागा डाला, और आपने क्या किया, इस धागे पे इस अराउंड इसको घुमाना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जो पत्थर होगा ये अपनी एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, समझ गए ना। एक्सिस किसने डिसाइड करी है? आपने। क्या डिसाइड करी है? आपने, समझ गए ना, आपने डिसाइड करी है। तो एक एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर देगा ना पत्थर। कुछ ऐसे ही कि मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, है ना, तो आपने सिर्फ से अपने एक एक्सिस डिसाइड करी और अपने अबाउट आपने घूमना शुरू कर दिया, समझ गए ना, सिर के अबाउट आपने घूमना शुरू कर दिया। तो अगर आप अपनी एक्सिस के अबाउट घूमते हो तो इस मोशन को बोलते हैं रोटरी मोशन। क्या बोलते हैं? रोटरी मोशन। मगर इस पार्टिकल के बारे में ज़रा विचार करो, अगर आप ये पत्थर घूमेगा तो ये पार्टिकल इस एक्सेस के अबाउट पूरी पेरीफेरी में घूम करके आएगा। बोलो यस सुनो, घूम करके आएगा ना। जैसे आपका हाथ, आप तो रोटेशन करते हो, बट आपके हाथ का जो टिप होता है वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल। तो आपके सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। और जो जितना दूर पार्टिकल होगा उसका सर्कल उतना दूर बनेगा, है ना। आपके कान का सर्कल छोटा बनेगा क्योंकि आपका कान सर्कुलर छोटे सर्कल में करेगा, समझ में आ गया ना। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस पत्थर को मैंने, एक सिचुएशन थी कि यहाँ से रस्सी डाली, दूसरी सिचुएशन है कि इस पत्थर में मैंने ये एक्सेस बनाया, दोनों एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन होगा वो एक ही सुविधा से होगा कि इसकी सुविधा ज़्यादा होगी और इसकी सुविधा कम होगी? जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा? दोनों में एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा रोटेशन। ये थोड़ा सा रोटेशन हार्ड होगा, है ना, ये रोटेशन हार्ड होगा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मान लीजिए एक्सिस है, या आपने एक पोल पकड़ लिया और आप एक पोल के चारों तरफ घूम रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा दम लगेगी, बट आप अपने अपने सिर पे हाथ रख करके अपने अबाउट घूम रहे हैं तो थोड़ी कम दम लगेगी, समझ गए ना। मतलब रोटेशन में भी एक फैक्टर होता है, जो डिसाइड करता है कि रोटेशन कितना स्मूथ होगा या रोटेशन कितना डिफिकल्ट होगा, समझ गए ना। उस फैक्टर को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। भाई पहले क्या पढ़ा था? लीनियर इनर्शिया। लीनियर इनर्शिया क्या फैक्टर है? लीनियर इनर्शिया वो फैक्टर है जो किसी बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन के चेंज होने का अपोज करता है, समझ गए ना। यूनिफॉर्म मोशन का चेंज होने में, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आने देता, और मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देता, इसको बोलते थे इनर्शिया। बट इसका सही नाम क्या था? लीनियर इनर्शिया। क्या नाम था? लीनियर इनर्शिया। बट अब पढ़ना अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसी को बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया वो फैक्टर है जो किसी बॉडी को रुकी हुई है तो अपने एक्सेस के अबाउट घूमने का अपोज करता है, और अगर घूम रही है तो अपने अबाउट रोटेट होने का अपोज करता है, समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक चरखी, वो बचपन में मेले में खरीद के लाते रहो चरखी, उसको घुमाने के लिए शुरू में दम लगानी पड़ती रही है, बट जब एक बार घूमती रही तो काफ़ी देर तक घूमती रहती है। अगर ज़मीन का फ्रिक्शन ना हो तो ज़िंदगी भर घूमते रहेगी, समझ गया ना। तो यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रोटेट नहीं करना चाहेगी, और रोटेट करना चाहेगी तो रेस्ट में नहीं आएगी, अगर रोटेट कर रही तो रेस्ट में नहीं आएगी, समझ गया ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया।
समझ गए भाई? लीनियर इनर्शिया को मेजर करने का जो तरीका था वो क्या था? मास था. क्या था? मास था. मतलब लीनियर इनर्शिया को आप जो है वो विद द हेल्प ऑफ मास मेजर कर सकते थे. बट रोटेशन मतलब इनडायरेक्टली जो हम बोलते थे कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो प्रॉपर्टी थी, मगर रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करने का एक डायरेक्ट तरीका है जिसको बोलते हैं हम आई. आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट इज रिजिड बॉडी? हाँ, द बॉडी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी. बिल्कुल सही. तो ऐसी बॉडी जो कि फोर्स के एप्लीकेशन पर अपना शेप या वॉल्यूम चेंज ना करे उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी. समझ गए ना? मतलब परफेक्टली ठोस, बिल्कुल भी जिसमें चेंज ना हो. जैसे एग्जांपल के लिए पत्थर हो गया, है ना, पत्थर स्टोन इज अ रिजिड बॉडी. बट आटे की लोई रिजिड बॉडी है क्या? नहीं. आटे की लोई को आप दबा दोगे वो दब जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, तो डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए. चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन पढ़िए. डज द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई विद इन द बॉडी? क्या सेंटर ऑफ मास? तो पहले जानिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है. आपने देखा होगा स्कूल में एक किताब है अपने पास, ये किताब रखी हुई है. इस किताब को उठाने का तरीका है कि आप इसको नॉर्मली हाथ से उठा लो. उठा लिया. आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं उंगली पर किताब को सिंगल पॉइंट पे बैलेंस करते हैं, देखा है ना. आप यदि मेरे हाथ में ये स्केल है ना, तो इस स्केल को भी आप एक सिंगल पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो. इस स्केल को भी एक सिंगल पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे कहीं पर इसका बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा. ओके, कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा. करीबी होगी आपने घर में कभी पढ़ते पढ़ते समय, है ना. तो एक पॉइंट होता है वो, मतलब क्या होता है बेटा वो पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में स्केल था या बुक थी. मेरे हाथ में या तो स्केल थी या बुक थी, तो सिचुएशन क्या बन रही है इस चीज़ को समझो. ये मेरे हाथ में स्केल है या बुक है, तो ये सब पॉइंट हैं, सब पॉइंट हैं. बोलो यस और नो? ये सारे पॉइंट नीचे की तरफ क्या लगा रहे हैं? एमजी लगा रहे हैं. ये अपना एमजी लगा रहे हैं, अपना एमजी लगा रहे हैं. तो भैया इन सब फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा का पूरा मास जो होता है डेवलप डिपेंड करता है. समझ गए ना? जनरली बॉडीज में क्या होता है, ये इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर. मतलब ये डायगोनल इससे मिला दो, ये डायगोनल इससे मिला दो, जहाँ पे मिल गया वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. तो उस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास डिपेंड करता है. समझ गए ना? मतलब यदि पूरी बॉडी का मास एम है, बड़ा एम, पार्टिकल का मास क्या था? स्मॉल एम. बॉडी का मास क्या? कैपिटल एम. तो यहाँ पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ एम और जी. समझ गए ना? पूरा मास यहाँ पर डिपेंड करता है. अब आप यदि इतने ही अमाउंट का फोर्स ऊपर की तरफ लगा दोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी. तो ये जो पॉइंट है जहां पर पूरा मास कंसंट्रेट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास. कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी आपके पास, मान लीजिए कोई बुक है, कुछ भी है, स्लेट है, कोई भी क्यूब है, क्यूबॉइड कुछ भी है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर उसका पूरा मास आता है. आप उस बॉडी को पूरी हाथ में ना उठा करके एक आप अपनी उंगली के टिप पे उठाना हो तो आप उस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे. यस और नो? आपके पास ये बुक है, देखिए आपके हाथ में ये बुक है. आप अगर कहें कि मैं इस बुक को किनारे पे फोर्स लगा के उठा सकता हूँ, एक टिप पे, यहाँ पे नहीं उठा सकते हो, बुक गिर जाएगी. क्योंकि बट बुक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. अगर आप कोशिश करें और यहाँ पर देखिए बैलेंस होना शुरू हो चुकी है, हो चुकी है ना, ये देखिए बैलेंस हो गई, हो गई ना. तो अगर आप एक सेंटर पे आप फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स से आप इसको बैलेंस कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा. क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. तो सवाल यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है पढ़िए. Does the center of mass always lie within the body? No, it may also lie outside of body. Outside में कैसे होगा सर? बिल्कुल सही. कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास जो होता है आउटसाइड द बॉडी आया करता है. समझ गया ना? जैसे रिंग. रिंग, अब ये रिंग है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा? बीच में होगा. तो ये बॉडी के भीतर थोड़ा ना है, ये तो हवा में है, है ना, हवा में है ना. रिंग तो खोखला रहता है. रिंग तो खोखला रहता है, तो आउटसाइड द बॉडी. चलिए अब पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम. अब क्या पढ़ते हैं? एंगुलर मोमेंटम.
एंगुलर मोमेंटम क्या है, समझ गए ना, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हुआ करता था एम इंटू वी, ठीक ना, एम इंटू वी होता था एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी किसी पाथ में कोई एंगल ट्रेस कर रही है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसने एंगल ट्रेस किया, यहाँ से चली बॉडी एम मास की, और ये बॉडी कर पाथ में घूम करके इसने कितना एंगल ट्रेस कर दिया, थीटा, थीटा। कितना ट्रेस कर दिया, थीटा, थीटा। तो अब ये बॉडी की, थोड़ा मैंने थीटा ज़्यादा बना लिया, आपको 90 जैसा दिख रहा है, तो एक काम करो इतना मान लो थीटा, इतना, ओके, पूरा मत मानो, ये नीचे वाला एंगल क्या मान लो, थीटा, थीटा। अब ये बॉडी घूम रही है, बेटा इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है, बोलो यस और नो, तो वहाँ पे क्या होता था, मास मल्टीप्लाइड बाई लीनियर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम पी। अब यहाँ पे मास मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगल की फॉर्म का क्या मोमेंटम है, एंगल ट्रेवल, एंगल ट्रेवल की फॉर्म में कितना मोमेंटम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो पी इक्वल टू एम इंटू ओमेगा, सॉरी इसको एल से शो करते हैं, किसे शो करते हैं, एल इक्वल टू पी, एल इक्वल टू एम ओमेगा, एल इक्वल टू एम ओमेगा, समझ में आया। अच्छा मैंने अब लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना, वी इक्वल्स टू मैंने क्या पढ़ाया था आपको, आर ओमेगा, आर ओमेगा। बेटा गलत बता दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, एल की जगह बेटा मास की जगह, यहाँ पे मास काम करता था, लीनियर मोमेंटम में मास काम करता था, एंगुलर मोमेंटम में बेटा आई काम करता, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, पढ़िए, इट इज डिफाइंड ऑन, इट इज डिफाइंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर वेक्टर फ्रॉम एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखिए कॉपी में, लिखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली, एंगुलर मोमेंटम है क्या, सो एंगुलर मोमेंटम है क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम में क्या हुआ करता था कि बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हुआ करती थी, वी कांस्टेंट होता था तो लीनियर मोमेंटम पी होता था। अब यहाँ पर बॉडी जो है रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है, रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है बॉडी, तो मान लो बॉडी मूव करके कितना एंगल बना ली, थीटा, कितना एंगल बना ली, थीटा। यहाँ पे भी मास कितना है, एम है, और यहाँ पे भी मास कितना है, एम है, बॉडी का मास तो सेम रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट पर इसका लीनियर मोमेंटम देखूं तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, एम इंटू वी जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों भैया, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट में जाती है, तो लीनियर मोमेंटम यही जाएगा। तो देखा जाए तो लीनियर मोमेंटम खुद घूम रहा है, और इस पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम कैसा जाएगा, टेंजेंशियल, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, मतलब लीनियर मोमेंटम खुद घूम रहा है, तो लीनियर मोमेंटम का घूमने वाला इफेक्ट ही कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, समझ गए ना। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू, है ना, एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम कितना, एम वी वेक्टर, एम वी वेक्टर मल्टीप्लाई, किसी चीज का मोमेंट निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस जिस पॉइंट से जितनी दूरी पर वो चीज घूम रही है, तो ये डिस्टेंस क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज आर, दिस इज आर, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एम वी क्रॉस आर, एम वी क्रॉस आर, तो लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो एल वेक्टर इक्वल टू एम वी क्रॉस आर, आया समझ में ना, कोई दिक्कत, हाँ, तो ये गया वी, ये गया आर, तो अपने पास जो बनेगा फॉर्मूला एम वी आर, एम वी आर, क्लियर हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का खुद का जो मोमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ लीनियर मोमेंटम खुद घूम रहा है। yes, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना,
एम वी आर, तो इसको ऐसा सुंदर तरीके से ऐसा भी लिखा जाता है, इसको एम ब्रैकेट में वी क्रॉस आर, ब्रैकेट में वी क्रॉस आर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यस मैंने आपको बताया था कि वी इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने पढ़ाया था आपको वी वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर, ऐसा कुछ पढ़ाया था, ओके ओमेगा क्रॉस आर। चलिए तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल मैग्नीट्यूड की, तो देखिए क्या होगा, एल इक्वल टू एम, सारे वेक्टर हटा दो, एम वी आर, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वी की जगह वैल्यू रख देता हूं आर ओमेगा, तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा एम, बोलो हाँ, इंटू आर इंटू ओमेगा और एक और आर, तो आंसर क्या आ गया भाई, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ये आ गया आपका फॉर्मूला, तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, लिख लो बेटा सारे फॉर्मूले, स्टन कर दो उसको, सो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, डन, एल इक्वल्स टू, नोट करिए सारे फॉर्मूले शुरू से ना सर, हाँ स्कूल जाना ओके, सो पी इक्वल्स टू एम वी, एल इक्वल्स टू एम वी क्रॉस आर, एम वी क्रॉस आर, एल इक्वल्स टू एम वी क्रॉस आर, एम वी आर, एम आर ओमेगा आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बेटा आ गया समझ में? तो L इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये अपना निकल गया किसका फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन को आप पढ़िए, अब आपको क्लियर हो जाएगा, मैं ही पढ़ देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, इज इट वेक्टर और स्केलर, तो अभी देख लिया भैया वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, रोटेशन के मैक्सिमम वेक्टर एक्सियल है, सारे रोटेशनल इफेक्ट में, क्यों एक्सियल वेक्टर, देखो एक्सियल क्यों है, क्योंकि किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, वी का और आर का, वी का और आर का, तो ये वेलोसिटी इधर भाग रही है, आर इधर भाग रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन आती है वो कहाँ आती, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आती है ना, परपेंडिकुलर आती है, इसलिए कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। चलिए तो यस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही बात कही गई है, देखिए वट इज दिस, दिस इज, इट इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम, ये क्या था, एम वी था, एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम, पी वैक्टर, और पी वैक्टर की किससे दूरी, आर से दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर टेंजेंशियल परपेंडिकुलर दी जाती है, तो इट इज डिफाइंड एज द लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के परतः तो घूम रही है, इसी के अबाउट तो घूम रही है ना, हाँ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई फ्रॉम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स यूनिट इज जूल सेकेंड, यूनिट इज जूल सेकेंड, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टू टी की पावर माइनस वन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी बहुत बातें करी मैंने आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है भाई, लीनियर इनर्शिया क्या था, लीनियर इनर्शिया वो था कि अगर कोई बॉडी है रेस्ट में बैठी हुई है तो वो फैक्टर जो इसको मोशन में आने का अपोज करता है, सिमिलरली एक किसी बॉडी का वो नेचर अगर कोई बॉडी रेस्ट में बैठी हुई है तो इसको रोटेशन में आने का अपोज करे, रोटेशन में आने का अपोज करे कि भैया तुम रोटेशन में मत आओ, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन में है, सुने वर्ड यूनिफॉर्म रोटेशन, यूनिफॉर्म रोटेशन का मतलब ओमेगा कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, जैसे अर्थ घूम रही है कॉन्स्टेंट ओमेगा से, ऐसा नहीं कि अर्थ का एक दिन हो गया 24 घंटे का, दूसरा दिन हो गया 12 घंटे का, है ना, एक यूनिफॉर्म रोटेशन से घूम रही है, तो उसको चेंज करने का अपोज करे, मतलब अगर जितना है कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए पढ़िए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग बॉडी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द टॉर्क अप्लाइड टू द चेंज इन चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन, इफ द मास ऑफ अ बॉडी एम एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आर
देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. हाँ, यूनिट इसकी हो जाएगी एम फॉर किलोग्राम, के एन आर फॉर आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला ये हो गया. अब मैंने आपको बताया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, इट अपोजेस, यहां से ये चीज काट दो, द टॉर्क अप्लाइड टू इट अपोजेड टू चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन. ये हटा दो, द टॉर्क अप्लाइड हटा दो बस, समझ गया ना. ये टॉर्क अप्लाइड एक अलग चीज आती है, उसको अपन देखते हैं. विच इट अपोजेस टू द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का वो नेचर है, वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर वो रेस्ट में है तो रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहती, और रोटेशनल मोशन में है अगर रेस्ट में नहीं आना चाहती तो रेस्ट में नहीं आना चाहती, या बड़े शब्दों में बोला तो चेंज नहीं करना चाहती, जितने पे है उतने पे घूमना चाहती है, जितने पे है उतने पे ही घूमना चाहती है. जैसे मान लो कि आप बहुत तेजी से घूम रहे हो अपने चारों एक्सेस की तरफ, आपने हाथ फैला लिए हैं, समझ गए, और आप घूम रहे हो, आपने हाथ फैला के, कत्थक में डांस का स्टेप आता है उसमें घुमा करते हैं, आता है ना. अब आप बताइए कि एकदम से घूम रहे हो और मैं बोलूँ स्टॉप थम, तो क्या आप एकदम से थम जाओगे? अगर आपने कोशिश भी करी तो आप मुंह के बल गिरोगे एकदम से. आपको अगर स्टॉप होना है तो स्लोली 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 स्टॉप होना पड़ेगा, येस और नो? एकदम से स्टॉप नहीं हो सकते. तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको रोकता है कि अगर आप किसी मोशन पे हो, अगर आपकी कोई एंगुलर वेलोसिटी है तो आप एकदम से नहीं रुक सकते हो, एकदम से नहीं रुक सकते हो, समझ गया ना. चलती हुई गाड़ी में जब व्हील घूमते हैं तो एकदम से ब्रेक मार देते हैं तो इंसान ऊपर का फिक जाता है जो बैठा हुआ रहता है, यस और नो? या फिर कोई भी सर अपने बाइक के पार्ट्स अगर एकदम से वही झटका कर खराब हो जाएंगे, पार्ट्स खुल जाएंगे. सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है कि रुकी हुई बॉडी मोशन में रोटेशन में नहीं आएगी, और अगर वो यूनिफॉर्म रोटेशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी या चेंज नहीं करेगी, दोनों चीजें, समझ गए, क्लियर हो गया. अब देखिए, अब आपकी बात आती है कि रोटेशन में अगर कोई बॉडी है, रोटेशन में कोई बॉडी है, कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है. मान लीजिए एक फुटबॉल है लोहे का, आपके पास ये फुटबॉल है और ये बढ़िया घूम रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा, फिक्स एंगुलर वेलोसिटी है, समझ गए ना. ओमेगा मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि ओमेगा इज इक्वल टू 5 रोटेशन पर सेकेंड, 5 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब ये बॉडी जो है एक सेकेंड में 4 रोटेशन कर लेती है, इसी को बोलते हैं ओमेगा. क्या बोलते हैं? ओमेगा. एक होती है लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी कब यूज़ होती है? जब पार्टिकल सीधे रास्ते में चलता है. तो आप बोलते हो भैया वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड. अब ये तो घूम रही है अपने एक्सेस पे, अब ये थोड़ा ना छोड़ के चली जाएगी, यस और नो? तो अगर ये बंधी हुई है बॉडी यहाँ से तो ये घूम रही है, तो इसका आप क्या दोगे? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कितना एंगल ट्रेवल कर रही है? 5 रोटेशन पर सेकेंड, समझ गए ना. एक रोटेशन मतलब यहां से चलना, पूरा घूमना और घूम करके वापस यही आ जाना. मान लो अगर आपने यहां कोई ब्लू कलर का निशान लगा रखा है तो एक रोटेशन में ब्लू कलर का निशान वहीं पर आ जाएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड एक रोटेशन. तो एक रोटेशन में कितना एंगल ट्रेवल होगा? 360 डिग्री. तो 5 रोटेशन में कितना होगा? 5 × 360. तो इसको बदल लो रेडियन में. एक रोटेशन में 360 डिग्री, फिजिक्स में बोलते हैं 2π. हाँ सर, क्या बोलते हैं? 2π. तो भैया ओमेगा इक्वल टू 5 × 2π रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. यूनिट क्या होती है ओमेगा की? रेडियन पर सेकेंड. पढ़ाया था ना, याद करो. ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऊपर वाला रेडियन नीचे वाला सेकेंड. आंसर कितना? ओमेगा इक्वल टू 10π रेडियन पर सेकेंड. ऐसा समझ में आया? समझ गया. और गहराई से समझना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π × 5. अब ये क्यों मैंने करा? क्योंकि मैंने एक आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी हुआ करता है. एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी. तो भाई साहब ये फ्रिक्वेंसी तो दी गई थी कि 5 चक्कर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लगने वाले चक्कर कितने थे? 5. तो आपने उस फ्रिक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी में बदल लिया या एंगुलर फ्रिक्वेंसी में बदल लिया, समझ गए. तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 10π रेडियन पर सेकेंड. अब ये 10π रेडियन पर सेकेंड से ये घूम रही है बॉडी, अपने पास ही घूम रही है. तो मैं बता क्या रहा था यार इसका? बिल्कुल सही, याद आ गया, घूम रही है. अब मुझे बताइए, अब इस बॉडी को आपको
पांच चक्कर पर सेकंड से, ये जो दिया गया है कि एक सेकंड में पांच चक्कर घूम रही है, फाइव रेवोल्यूशन कह लो, फाइव रोटेशन कह लो पर सेकंड से, आपको इसको बढ़ा करके इसकी स्पीड पांच से करनी है दस। कितनी करनी है? दस। समझ गए ना? तो क्या करेंगे आप इस बॉडी के साथ? ये बॉडी आपके सामने, ये जो बॉल है ये घूम रहा है, आप यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं, और ये पांच चक्कर पर सेकंड की रफ्तार मार रहा, मतलब एक बार में, एक सेकंड में पांच चक्कर घूम जाता है, और आप चाह रहे हैं कि भैया मैं इसको दस कर दूं, तो क्या करेंगे आप? क्या सर? क्या करेंगे? डबल कर देंगे। डबल करेंगे? कैसे करेंगे? उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? घुमाने से सर। कैसे घुमाएंगे? क्या लगाएंगे? अब देखिए, वो मेले में वो टोकरी वाला बढ़िया झूला आता है, देखा होगा, बच्चे बैठा करते हैं, ये बैठते हैं ना, यस और नो, ऐसा रहता है, ठीक है ना, ये एक स्टैंड रहता है, उस पर रहता है, यहाँ वो मामा खड़ा रहता है घुमाने के लिए, है ना। अब इस मामा को ये इसने बैठा लिया था, और ये घूम रहा था मान लो पांच चक्कर पर सेकंड, इतना तो नहीं घुमाता है, एक सेकंड में दो चक्कर, मान लो दो चक्कर पर सेकंड, मतलब टू रोटेशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। बच्चों ने डिमांड करी कि मामा पांच से घुमाओ, पांच चक्कर घुमाओ, मजा आना चाहिए, थोड़ा तेज कर दो। तो क्या करेगा ये? अपने हाथ की थाली निकालता है, हाथ की गदिया निकालता है, पाम निकालता है, और जैसे ये आता है ये व्हील, उसको वो आगे की तरफ फटका मारता है। बोलो यस। तो ध्यान से देखना, रेडियस कहाँ है? ये है। फटका कैसा मारता है? ऐसा। बोलो यस और नो। अगर ये टोकरी को पकड़ के इधर खींचने लगे, ये रेडियस है, इसी डायरेक्शन में खींचने लग जाए, तो वो तो झूला तो खसकने लगेगा, स्लाइड होने लगेगा, मगर ये क्या करता है, ये इसको जो है ऐसे मारता है फोर्स, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ना भी लगे फोर्स, तो कई बार तो भैया मान लो ऐसा लग जाए, बोलो यस और नो, तो भी घूमेगा वो। इतना सबसे मस्त इफेक्ट किसमें क्रिएट होगा? इसमें, बट मान लो थोड़ी टोकरी थोड़ी सी आगे चली गई, तो फोर्स ऐसा लग पाया, तो इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये फोर्स का अगर परपेंडिकुलर लगता है, या रेडियस के एक्सियल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में लगता है, तो क्या इफेक्ट जनरेट करता है? रोटेशन इफेक्ट। क्या देता है? रोटेशन देता है। इसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझ गए ना? आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मोड़नी पड़ती है, तो ये लैपटॉप का बेस है, ये स्क्रीन का गया हुआ है। आप फोर्स कहाँ की तरफ लगाते हो? आगे की तरफ, सामने की तरफ, है ना, सामने की तरफ, तो वो मुड़ती है, तो लैपटॉप की स्क्रीन मुड़ जाती है, तो ये क्या जनरेट होता है? इस एंगल, यहाँ पे एंगल के अबाउट रोटेशन होता है, तो यहाँ पे आप इसको टॉर्क देते हो। क्या देते हो? टॉर्क। तो फोर्स का इफेक्ट वो जो रोटेशन के, रोटेशन को बढ़ाए घटाए या एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करे, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करे, उसको हम क्या बोलते हैं? था कि कैसे घूमेगा, तो ड्यू टू टॉर्क। ड्यू टू टॉर्क। आपको यहाँ पे इसको फटका मारना पड़ेगा, टॉर्क। और कैसा फटका मारना पड़ेगा, फील करके देख लो आप। रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो रेडियस के परपेंडिकुलर मारोगे तो सबसे बेस्ट टॉर्क क्रिएट होगा। समझ गए? रेडियस के परपेंडिकुलर यदि मारोगे तो सबसे बेस्ट टॉर्क क्रिएट हो गया। अगर रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं मारा इसने फटका, थोड़ा फटका इसका ऐसा चला गया, तो भैया इस फटके के दो कंपोनेंट करो। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट बताता हूँ, दो कंपोनेंट कीजिए इस फटके के, दो कंपोनेंट कीजिए। मान लीजिए ये है थीटा एंगल। क्या है ये? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा एफ कॉस थीटा और एक टूटेगा एफ साइन थीटा। तो बताइए मुझे टॉर्क कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? टॉर्क देने के लिए, रोटेशन कराने के लिए कौन सा? बिल्कुल सही, कौन जिम्मेदार है? एफ साइन थीटा। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला बनकर के आता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड ये डिस्टेंस आर, मल्टीप्लाइड डिस्टेंस कितना? आर। टॉर्क इज इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना? आर। टॉर्क इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड आर साइन थीटा, ये बनेगा टॉर्क। क्या बनेगा ये? टॉर्क। टॉर्क आ गया समझ में, क्लियर हो गया, बन जाएगा ना। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मॉड एफ मॉड एफ मॉड आर साइन थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्लियर है? यस सर। तो मतलब रोटेशन में चेंज करने वाले एजेंट का नाम कौन है? टॉर्क है। रोटेशन में कौन चेंज करता है? टॉर्क चेंज करना करता है। और लीनियर मोशन में कौन चेंज करता था? फोर्स। फोर्स।
समझ में आया? लीनियर मोशन में कौन चेंज करता था? फोर्स, ठीक है ना। तो वहां पे न्यूटन्स लॉ क्या बताया गया था? न्यूटन्स लॉ बताया गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वहां पे मोमेंटम में चेंज करने का काम कौन कर रहा था? फोर्स। और यहां पे क्या आएगा? यहां आएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बंधु जब टॉर्क लगेगा तो क्या चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि पहले वेलोसिटी रही होगी ओमेगा वन, दूसरी रही होगी क्या? ओमेगा टू। यस और नो? पहले रही होगी ओमेगा वन और रही होगी यहाँ ओमेगा टू, तो ओमेगा चेंज होने से क्या चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे पहले रहा होगा वेलोसिटी वी वन, बाद में हो गई वी टू, तो यहाँ पे क्या बना होगा, सेट हुआ होगा? लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क कौन है? टॉर्क वो है जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर दे। फोर्स कौन है? जो लीनियर मोमेंटम में चेंज कर दे। समझ गए ना? यहाँ पे ओमेगा के फॉर्म में चेंज होगी वेलोसिटी, यहाँ पे वी के फॉर्म में चेंज होगी वेलोसिटी। आया समझ में? तो यहाँ पे टॉर्क है, तो टॉर्क इस, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ लीनियर मोशन, और ये किसका? रोटेशनल मोशन। आया समझ में? तो ये थी भैया टॉर्क की महिमा। तो ये टॉर्क था, समझ गए ना। तो अगर आप किसी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया ब्रेक करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। मतलब हर बॉडी उसके ऊपर लगाए गए टॉर्क का क्या करती है? अपोज करती है। समझ गए ना? हर बॉडी कहती है मत लगाओ टॉर्क, मुझे चेंज नहीं होना है। बसंती कहती थी मैं इनके सामने नहीं नाचूंगी, समझ गए ना। ऐसे बॉडी कहती है कि मैं रुकी हुई हूं तो मैं मोशन चेंज नहीं करूंगा, ना 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 टॉर्क मत लगाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं, समझ गए। और अगर नाच रही है तो उसी स्पीड से ओमेगा चल रहा है, तो ओमेगा उसी स्पीड से चलना चाहती है कि भैया मत लगाओ टॉर्क, क्योंकि मेरा 2 रोटेशन पर सेकेंड है तो उसको 5 मत करो। समझ में आया? तो इस अकर्मण्यता को, इस अकारत को, इस आलस को, इस आलसीपने को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अच्छी बात यह है कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मेजरमेंट है। कैसे मेजरमेंट करते हैं? अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, क्या मास है? और अपने एक्सिस के अबाउट अगर ये डिस्टेंस r पे घूम रही है कोई बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ गए ना। तो बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल टू क्या होगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। अब फीलिंग खुद आ रही है भाई, मास पे तो डिपेंड करेगा, जितनी हैवी बॉडी होगी उतना ज़्यादा घुमाना मुश्किल। बोलो हाँ, बोलो यस और नो। अब दूसरा, रेडियस जितनी बढ़ाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ेगा, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। अगर आप अपनी एक्सेस के अबाउट घूमो तो घूमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बोलो हाँ। अपनी एक्सेस से कोहनी के अबाउट घूमो तो कम दिक्कत होगी। हाथ की हथेली के अबाउट घूमो कम दिक्कत होगी। अब आप एक काम करो, हाथ की उंगली का टिप रख करके फंसा करके एप्टिक घूमो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी रेडियस बढ़ रही है। अब अपने आप को एक डंडे से बांध लो और घूमो, और ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो घूम जाओगे तो घूमने में दिक्कत होगी, पहले स्टार्ट करोगे तो घूमने में दिक्कत होगी, और जब घूमने लग गए कांस्टेंट ओमेगा से तो फिर रुकने में भी दिक्कत होगी। समझ गए ना? रुकने में भी क्या होगी? दिक्कत। अब इसका भी एग्जांपल सुन लो। यहाँ पे तुम घूम रहे थे, कोई आया तुमको रोक दिया एकाएक, उसको कम जोर का फटका लगेगा। समझ गए ना? यहाँ पे कोई आया, कहाँ गया वो उंगली वाला? हाँ, कोहनी वाला ये है। यहाँ पे आए तुम, तो तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पे है, तुमको रोके तो थोड़ा कम जोर और जोर का फटका लगेगा। अब तुम्हारी बॉडी यहाँ घूम रही है, तुमको रोकने की कोशिश करी और जोर का उसको फटका लगेगा। अब तुम डंडे से बंधे हुए हो, सोचो तुम कितना दूर हो यहाँ पे। अब तुमको यदि यहाँ पे रोटेट करेगा तो और जोर का फटका लगेगा। देखे होंगे अपने यहाँ तो एक बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, बारात में कभी डांस देखने जाओ तो एक विशेष प्रकार का हमारे दोस्त लोग डांस किया करते हैं। अरे वो भगवान जाने वो कौन सा डांस होता है, उसमें ये दोनों हाथ फैला लेते हैं और घूमते हैं। तो अगर उससे बचने का तरीका है तो उससे जितना दूरी बना सकते हो बना दो। हाँ सर, 4-5 बारातों में तो मैंने देखा है कि उसी डांस की वजह से लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई और एक सर बैंड वाले की तरह से घूमे, उसको चांटे लग गए, क्योंकि बेचारे जीरो से लेके ओमेगा पे तो आ जाते हैं। अब वो फिर जो अगल बगल वाले हैं जिनको और शौक है कि हम भी नाचेंगे,
वो भी गलते हैं। तो इतना ज्यादा इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाता है ए रेडियस बढ़ने के कारण, रोक नहीं पाते ये वाले हाथ का इस पॉइंट का आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर भरपूर बढ़ जाता है, है ना। तो उसको रोकने के लिए उनको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना। तो उनका गाल थोड़ा ना टॉर्क दे पाएगा, उसके लिए टॉर्क के लिए फिर बढ़िया सी चीज हो उसको रोकने के लिए। तो इसलिए वो चांटा जिसको जिसको घलता है उनको टॉर्क का ज्ञान हो जाता है। चलिए, तो ये वाली कंडीशन हुआ करती है। चलिए अगला, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड। भाई दो चीज मैंने बता दी, नंबर वन मास ऑफ द बॉडी और नंबर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए मैंने अभी अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर देखो आपका हाथ यहाँ पर था, पूरी बॉडी मान लो एक पतली सी डंडी गई हुई थी और यहाँ पे आपने एक पैन लगा रखा है, बोलो हाँ, तो पैन बड़ा जोर से घलेगा ना, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर है, समझ गए ना। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर की तरफ ज़्यादा हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा सेटल होगा। अगर इसी पैन को आप यहाँ लगा दो और लीवर को यहाँ लगा दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम बनेगा, क्योंकि जो रिजल्टिंग मास है वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब यदि कम शब्दों में बात की जाए तो एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेटल होता है वो सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है, क्योंकि रिजल्टिंग मास कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की तरफ ही तो जाएगा भाई। यस सर। रिजल्टिंग मास कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की तरफ। समझ में आया मैं क्या कह गया, कि मतलब यदि मान लीजिए वो कह रहा मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हाँ सर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे समझूँ, जैसे मान लो ये आपने कोई लीवर लगाया है, ये इस तरीके का, ये तो एक्सेस है और ये इस तरीके की बॉडी है, ये देखिए इस तरीके की बॉडी, ये देखिए स्टील की कोई प्लेट है। अब यहाँ इस तरफ यदि इतने पार्ट का देखोगे तो मास कम है, बोलो ये सुनो। अब अच्छा इधर तो ये प्लेट बड़ी हो रही है तो इधर मास ज़्यादा है, मतलब इसका मास जो सेंटर ऑफ मास जाएगा वो यहाँ नहीं होगा, इसका मास यहाँ कहीं पर होगा बेटा, क्योंकि इस तरफ इसका मास भरपूर है। ओके इस तरफ इसका मास ज़्यादा है, तो ये जो है ये बॉडी जो है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो आर तय होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का तय होगा, बोलो यस। यस सर। आ गया समझ में। अब इसी बॉडी को उल्टा करके दी लगा दो, ये लो इस बॉडी को अगर आप उल्टा करके लगा दो, ये लो अब घूम रही है इसके अबाउट, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास इधर से देखोगे तो पीछे आ गया, लो आ गया ना, तो इधर 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 हो गया, मतलब आर क्या हो गया कम, तो इसका एम आर स्क्वायर क्या हो गया घट गया और इसका एम आर स्क्वायर ऊपर वाले का क्या हो गया बढ़ गया। समझ में आया ना, तो मतलब बॉडी के मास पे नहीं मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन से सेंटर ऑफ मास तय होता है। आर किससे तय होती है, सेंटर ऑफ मास से, समझे कि नहीं समझे। आर जो तय होती है वो किससे तय होती है, सेंटर ऑफ मास से। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, समझ गया ना। बट यदि कोई अब कोई बॉडी यदि पॉइंट मास है तो पॉइंट मास में तो एक ही रेडियस होगी। मान लो ये तुमने कोई मोती लगा दिया है, अब ये मोती कहीं भी घूमेगा इसकी थोड़ा ना रेडियस बदलेगी, ये तो एक ही पॉइंट है, बोलो ये सुनो। yes, समझ गया ना। तो ऐसी शीट वगैरह के लिए सेंटर ऑफ मास पे मतलब निकालना पड़ता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, बट पॉइंट मास के लिए कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इन ज्योमेट्रीज को बोलते हैं लैमिना, क्या बोलते हैं लैमिना, लैमिना एक वर्ड आएगा प्लेन लैमिना, तो इनको बोलते हैं लैमिना। और ये क्या भैया, रिजिड बॉडी पॉइंट मास, तो इसके लिए तो बिंदास फॉर्मूला लगाओ एम आर स्क्वायर, समझ गए ना। और बट जब इसके लिए लगाओ एम आर स्क्वायर तो ध्यान रखना कि जो आर डिस्टेंस है वो पूरे लास्ट तक की नहीं है, वो किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो प्लेनर लैमिना में किसकी तलाश रहेगी आर निकालने के लिए, आर जैसे ही देखोगे प्लेनर लैमिना में तो बनाओ क्वेश्चन मार्क और क्या देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। जैसे मुझे आपको ही घुमाना अपनी उंगली में लेके, मुझे आपको ही घुमाना आपको अपनी उंगली में लेके, तो मैंने आपको हवा में खड़ा किया, लिटा दिया हवा में, और मुझे फिर आपके सेंटर ऑफ मास की तलाश होगी, तो आपकी जो रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तय होगा वो इस पॉइंट से तय होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, क्लियर। मुझे आपको इस एक्सेस के अबाउट घुमाना है तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तय होगा वो इधर से तय होगा, क्लियर हुआ। इधर से तय नहीं होगा, आपके पैरों से तय नहीं होगा, आपके सिर से तय नहीं होगा, बीच में कहीं पर होगा। और ये बात आप भी जानते हैं कि बॉडी का अपर पार्ट का मास ज़्यादा होता है, लोअर पार्ट का मास कम होता है। हम लोगों का तो पूरा मास पेट ही में बैठा हुआ है, समझ गए ना। तो इसलिए ये यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तय हो जाएगा। चलो क्लियर हुआ। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, डिफाइन रेडियस ऑफ
हाँ जी बिल्कुल, टॉर्क लगाते हैं। चलिए, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर हो गया, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड। नंबर वन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे लिख करके आते हैं मास ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली ये आर को निकालने का पंगा है, समझ गए ना? हाँ, कभी रेडियस फ्रॉम द एक्सेस मत लिख देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब कब रेडिएशन, कभी भी रेडियस लिखने का मन करे तो याद कर लेना कि अगर आपको ऐसे लिटाया गया है तो आपकी रेडियस तो ये बनी टोटल। हाँ। तो क्या यहाँ पर आपका पॉइंट मास होगा? नहीं। पूरा नहीं, वो तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर निकालेंगे। चलो क्लियर हो गया। अब अगला टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ गायरेशन, यस। देख लीजिए, ये देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट्स यूनिट। ओके, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पॉइंट एट विच द इफ द मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के, द एसआई यूनिट इज मीटर। हाँ, तो रेडियस है तो मीटर ही होगी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पॉइंट एट विच इफ मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेम एज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सेस रिप्रेजेंटेड बाई के। अब समझो क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा मान लो जैसे कि ये तुम हो, तुम ही हो, तुम्हारे पैरों को मैंने यहाँ से बांध दिया या तुम्हारे सिर को मैंने यहाँ से बांध दिया, ये सिर है, सिर बांध दिया और तुम्हें फ्लैट इस तरीके से, ये तुम्हारे जूते हैं, शूज़ हैं, ओके, और तुमको मैं मोशन करवा रहा हूँ, तुमको मैं मोशन करवा रहा हूँ, बोलो यस और नो। अब देखा जाए तो तुम्हारी स्थिति कैसी है? तुम्हारी स्थिति यह है कि यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे मास हैं, बोलो इधर भी मास है, इधर भी मास पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ भी मास है, बोलो यस और नो, है ना? हर जगह पॉइंट मास। अगर मैं हर पॉइंट का, अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बॉडी का निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बॉडी का निकालना है, तो मैं हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो आई इज इक्वल टू आपका छोटा बॉडी का मास एम, पहले वाले की रेडियस मान लो बेटा छोटे वाले की आर वन, तो एम एम वन या एम आर वन स्क्वायर, बोलो यस। अगला पॉइंट मास ये ले लो, इसको ले लो एम वन, इसको ले लो, अगले पॉइंट मास का मास क्या ले लो, एम टू आर टू स्क्वायर, बोलो यस नो। फिर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, ऐसे चलते 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 लास्ट में पहुंच जाऊं जूते की टिप वाला पॉइंट, उसका मैं ले लूं, मान लो एन पार्टिकल है तो एम एन आर एन स्क्वायर, बोलो यस और नो। या तो मैं सबको जोड़ दूं, अब एक तरीका मेरे पास और है। तो ये क्या है आपकी ओरिजिनल रेडियस, क्या है आपकी ओरिजिनल रेडियस, समझ में आया? अब मेरे पास एक तरीका और है, मेरे पास एक तरीका और ये है कि मैंने क्या किया, मैंने हर पॉइंट को अलग अलग लेने के बजाय मैंने देखा यार इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर बैठा हुआ है, बोलो यस और नो। मतलब पूरी बॉडी का सेंटर जो टोटल मास होगा एम यहीं पर डिपेंड करेगा। तो मैंने निकाला आई इज इक्वल टू पूरी बॉडी का मास कितना, कैपिटल एम, और यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस का मैंने नाम दे दिया के, क्या नाम दे दिया के, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, तो एम के का स्क्वायर, बोलो यस। अब चाहे अलग अलग जगह का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, इफेक्ट क्या आएगा, बराबर आएगा ना? चलिए भैया, तो लिखेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, प्लस 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 एम एन आर एन स्क्वायर, बोलो हाँ। अब अगर आपकी यूनिफॉर्म बॉडी मानी जाती है, मतलब यूनिफॉर्म बॉडी मतलब जिसका दाना दाना एक समान है ना, टाटर शुद्ध नमक, जिसमें ऐसा ना हो कि एक मास M1 बड़ा है एक मास M2 छोटा है, मतलब सारे मास इक्वली हैं, तो हम हर मास को क्या ले सकते हैं M. तो मैंने इसको भी ले लिया M M M M M M M M M ले लिया, तो टोटल मास को मैंने यदि M M M M M M M M ले लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने M ले लिया कॉमन, बोलो यस। और पहली बॉडी का आर वन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, एग्री?
कि नहीं एग्री? अब ये बताइए कैपिटल एम क्या है, पूरी बॉडी का मास था यहाँ पे डिपेंड कर, क्या मैं कैपिटल को अगर बॉडी के अंदर एन पार्टिकल है और एक दाने का मास एम है तो मैं क्या एम इंटू एन से एक्सचेंज नहीं कर सकता इसको? टोटल बॉडी का मास इक्वल टू एक दाने का मास, एक पार्टिकल का मास इंटू टोटल पार्टिकल, तो कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू एन, आ गया समझ में? तो कैपिटल एम को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एम टाइम्स कितने पार्टिकल, एन, यस और नो? एम और इंटू के स्क्वायर आगे लिख देता हूँ, भूल गया था, समझ में आया? एम से एम पार्टिकल तो सेम ही मास के, पार्टिकल सेम मास के हैं तो इधर वाले कॉमन आ चुके हैं, कैंसिल हो गए, तो केवल के स्क्वायर अपॉन कितना आ गया एन, तो भैया के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन कितना एन, तो के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन कितना एन, समझ गए? बन जाएगा सॉरी अपॉन में एन, तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, नोट कीजिए इसको, ले लीजिए। तो मतलब अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कंपैरिजन में एक पॉइंट मानो जो कि सेम प्रभाव उत्पन्न करे, समझ गए ना? तो उस दूरी को बोलते हैं बंधु अपन रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है? चलो भैया बहुत बढ़िया, तो ये कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना? इट इज इट एसेंशियल टू अप्लाई मोमेंट टू कपल, मोमेंट ऑफ कपल टू ए रोटेटिंग बॉडी, एक्सप्लेन विद रीजन, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया। इज इट एसेंशियल टू अप्लाई मोमेंट ऑफ कपल टू अ रोटेटिंग बॉडी, एक्सप्लेन विद रीजन, नो इट इज नॉट एसेंशियल टू अप्लाई मोमेंट ऑफ कपल टू अ रोटेटिंग बॉडी बिकॉज मोमेंट ऑफ कपल ओनली क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन टू अ रोटेटिंग बॉडी, एक्सप्लेन विद रीजन, नो इट इज नॉट एसेंशियल टू अप्लाई मोमेंट ऑफ कपल टू अ रोटेटिंग बॉडी बिकॉज मोमेंट ऑफ कपल ओनली क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल केवल एंगुलर क्रिएशन एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। ये बात तो सही है, एसेंशियल मतलब क्या जरूरी है टू अप्लाई मोमेंट ऑफ कपल टू अ रोटेटिंग बॉडी, किसी बॉडी को रोटेटिंग बॉडी में क्या मोमेंट ऑफ कपल, हाँ मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई करना जरूरी है, एक्सप्लेन विद रीजन, रीजन के साथ एक्सप्लेन कीजिए कि क्या किसी बॉडी में मोमेंट ऑफ कपल। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक ना? ये कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ठीक ना? अब मैं कपल आपको बता देता हूं कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। भाई एक आपने देखा मोमेंट ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क की वजह से जो घुमाव उत्पन्न हुआ, जो टॉर्क आपने प्रोड्यूस किया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एफ क्रॉस आर, एफ आर साइन थीटा, अभी क्रॉस ऑस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कितना जनरेट हुआ एफ आर साइन थीटा, अभी स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं, बाद में देखेंगे वेक्टर में। तो वो क्या था, आर साइन थीटा फिर वही था ना, वही एफ साइन थीटा इन टू आर, अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें, फिर कंफ्यूज होने लग गए, क्लियर हो गया ना, वही एफ साइन थीटा। देखो एक फोर्स ऐसा है, ये ऐसा घुमाया मैंने, अब मैं ऐसा ना लगा कर किसको मैं ऐसे घुमाऊं ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर खींच रहा हूं, तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं ना, साइन और कॉस, तो साइन हेल्प करेगा क्योंकि साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। चलो काम की बात खत्म, अब कपल की बात सुनो, कपल क्या होता है बेटा। अभी आपने देखा था कि ये एक लीवर था, एक तरीके से कोई भी चीज घुमाने वाली, आपने इसमें फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं लगाया था तो सपोज एंगल थीटा था, तो दो कंपोनेंट आपने तोड़ लिए थे, एक तोड़ लिया था एफ साइन थीटा और एक टूट गया था क्या एफ कॉस थीटा। तो इसने इसको घुमाने में मदद करी और ये घूमने लग गया, इसके अबाउट ये घूमने लग गया। अब कपल सुनिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ ए कपल, जैसे ये एक रस्सी है, ये एक कोई बार है, स्टील की बार है, और ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, क्या है रोटेशनल एक्सिस, हवा में लगी हुई है, वही चरखी की जैसे लगी हुई है ये, एक जन फोर्स यहाँ लगाए और एक जन फोर्स ऊपर लगाए,
बोलो यस सर। एक जन फोर्स यहाँ लगाए और एक जन फोर्स यहाँ लगाए, इक्वल अमाउंट का फोर्स है ना, इक्वल अमाउंट का फोर्स, तो भी क्या जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा, रोटेशन होगा। तो ये मोमेंट किसका कहलाएगा, ये दो फोर्स लग रहे हैं, जब सिंगल फोर्स लगता तो हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स दैट इज टॉर्क। अब ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इसी को कपल बोलते हैं है ना, मोमेंट ऑफ ए कपल ऑफ फोर्स। तो अब ये यदि इसको घुमाओगे तो आप ये ऐसा घूमना शुरू कर देगा, समझ में आ गया ना, घूमना इसको क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब इसका टॉर्क निकालना है तो इसका टॉर्क निकालने का तरीका, भाई कोई भी फोर्स ये है एफ, ये है एफ, ये फोर्स की दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है डिस्टेंस, कितनी आर वन, तो इसका जो जनरेट होगा टॉर्क, देखो ये इसको कैसे घुमाने का सपोर्ट करेगा, ऐसे, क्या है ये क्लॉकवाइज है, क्या है ये क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू आर साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा 90 डिग्री है क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, तो मैं सीधे एफ आर रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ एफ आर, साइन 90 हो गया ना, फन हो गया। अब देखो ये किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जा रहा तो ये भी तो सपोर्ट ही में है, ये भी तो इधर घुमाएगा, तो क्या करेगा, ऐड करूँ कि सबट्रैक्ट करूँ, सपोर्ट में है प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो इसका भी कितना आएगा आर वन, सॉरी बेटा एफ आर वन, और इसका कितना आएगा एफ आर टू। और ध्यान से देखो भैया, एफ कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू टोटल आर के इक्वल है कि नहीं है, तो कितना हो गया एफ इन टू आर, आया समझ में, नोट करो ये है मोमेंट ऑफ ए कपल या मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स एफ इन टू आर। फॉर्मूला वही है मगर यहाँ पे आर याद रखना, आर टोटल क्या है लेंथ ऑफ लीवर आर्म, ये पूरी लीवर आर्म की लेंथ है, ये पूरा जितने का डंडा है ना, ये वो सीसॉ वाला डंडा बैठे होगा ना उसमें, पार्क में झूला लगता है, उस पूरे की लेंथ है ये, तो वहाँ पे यही काम करता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स भी बोल सकते हो इसको है ना, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। खुश, चलो ये था भैया अपना मोमेंट वाला सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इज इट इज इजी टू रोटेट ए स्टोन टाइड विद अ स्मॉल स्ट्रिंग देन दैट ऑफ लॉन्गर, वही भाई छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और बड़े वाले, कह रहा है कि छोटी रस्सी से बंधे हुए स्टोन को घुमाना बड़ी रस्सी की तुलना में कम होता, भाई स्टोन तो पार्टिकल है, बिल्कुल एम आर स्क्वायर है, नहीं मास से, रस्सी की बात करिए, मास मास सेम दिया गया है, हाँ छोटा स्टोन बड़ा स्टोन नहीं बोला है, छोटी रस्सी बड़ी रस्सी बोला है, समझ गए, तो इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो रस्सी भी सेम साइज की है, नहीं छोटी रस्सी बड़ी रस्सी ना, तो इसका क्या बनेगा एम आर स्क्वायर, वो पॉइंट पॉइंट ना, वो तो मास है, थिकनेस है, तो वो रस्सी उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कंसीडर मत करो, एम आर स्क्वायर ये देखिए, तो साफ देख रहा है भैया इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी रेडियस क्या है ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ज़्यादा होगा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया ज़्यादा, क्लियर हो गया। सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आई ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, देखो अब टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है ना, आई बढ़ गया, आई क्यों बढ़ गया, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो सेम अमाउंट से घुमाने के लिए इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा आ रहा है, देखो देखो आई बढ़ गया ना, एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या आई, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है आई के, तो लिखा वी नो दैट टॉर्क इक्वल्स टू आई ओमेगा, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा, एंड इफ द स्ट्रिंग इज लॉन्ग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर and therefore greater torque will be required to rotate the stone, but for a small string less torque is required, choti si string ko ghumane ke liye kya lagega less torque kyunki uska moment of inertia kam hai, therefore it is easy to rotate the stone with a smaller spring, samajh mein aaya koi dikkat any problem, to ye bhaiya ho gaya apne paas torque ka ek formula abhi introduce kiya hai maine, torque ka formula abhi maine introduce kiya hai I omega, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, अभी तक बताया नहीं था अब बता देता हूँ, देखिए हाँ कैसे आता है, आपको याद होगा मैंने बताया कि एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, जैसे वहाँ से रिलेट करूँगा पहले, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद आया, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, सॉरी फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन,
फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. अभी अभी मैंने बताया एंड टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी. टी याद आया, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी. भाई डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल मतलब गलत, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. मैंने आपको क्या बताया अभी, डेल्टा एल सबसे शुरुआत में आज लेक्चर में मैंने बताया था कि भैया डेल्टा एल होता है आई ओमेगा, एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, बताया था, बताया था. यदि भूल जाओ तो याद रखना पी इक्वल टू एम इन टू वी. एम का काम कौन करता है यहाँ पे, आई. वी का काम कौन करता है, ओमेगा. तो भैया डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल की जगह क्या कर दो, आई ओमेगा, आई इन टू ओमेगा अपॉन डेल्टा टी रहने दीजिए, डेल्टा टी रहने दीजिए, ठीक है ना, ठीक है. तो डेल्टा आई यहाँ से ले लीजिए बाहर, आई अपन ने ले लिया क्या बाहर, क्या बच गया डेल्टा ओमेगा, क्योंकि आई अगर फिक्स है ओमेगा में चेंज होगा ना. अगर आप टॉर्क लगा रहे हो, कोई पार्टिकल है आपके पास, पहले ये ओमेगा से घूम रहा था दो रोटेशन पर सेकंड से, फिर आपने टॉर्क लगाया तो फाइव रोटेशन पर सेकंड से, तो क्या चेंज हुआ, ओमेगा ही तो चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या, तो ओमेगा चेंज हुआ, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना. याद कीजिए आपने डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी मैंने क्या पढ़ाया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन, तो ये हो जाएगा आई अल्फा, क्या आ गया आई अल्फा. तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, क्लियर हुआ, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. तो आई थिंक यहाँ पर क्या लिखा है, टॉर्क ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा, नो 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 भैया, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ओमेगा नहीं होता है. एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू वर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, एम की जगह आई, हाँ बेटा गलत है ये, आई अल्फा कर लो इसको, कर दो को बुक में चेंज, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, बहुत कुछ गलत दिया रहता है. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा नॉट आई ओमेगा, बेटा एल इक्वल टू होता आई आई ओमेगा, ठीक है ना. हाँ ये देखिए L इक्वल टू आई ओमेगा पढ़ाया, तभी तो कन्फ्यूज हो गए. L इक्वल्स टू होता आई ओमेगा, ये देखो L की जगह रखा था आई ओमेगा, रखा था ना L की जगह आई ओमेगा, है ना, L की जगह अपन ने आई ओमेगा रखा था. टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, डन. चलिए तो भैया टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा ही होता है, बिल्कुल सही लिखा हम लोगों ने, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, डन. देखो कैसे कंपेयर हो जाता है, देखो यार फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ पे जहाँ फोर्स काम करता है, यहाँ कौन काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ में आया. अब दूसरा कंपेरिजन देखो, मोमेंटम वहाँ पे क्या होता था, मास इंटू वेलॉसिटी, मास इंटू वेलॉसिटी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम चलता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास की जगह कौन काम करता है यहाँ, आई. वेलोसिटी की जगह कौन काम करता है, ओमेगा. बस कंपेयर है, सीधा 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 कंपेरिजन है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, समझ में आ गया ना. तो साफ साफ दिख रहा है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका टॉर्क ज़्यादा होगा. तो आई किसका ज़्यादा है, जिसकी लंबी रस्सी होगी, लंबी रस्सी इस पार्टिकल की है, तो इसलिए इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, मतलब इसको रोकने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी और घुमाने के लिए भी ज़्यादा ताकत, समझ में आया, ज़्यादा टॉर्क लगे वही ताकत को से रिलेटेड है मैंने. चलिए डन. एनी प्रॉब्लम, ओके. 10 बजे स्कूल जाना, ओके. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क और एंगुलर मैंने पढ़ा दिया अभी, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि टॉर्क इज इक्वल टू, वहां क्या था, वहां पे क्या था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यानी यहां फोर्स की जगह कौन काम करता है, टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डन. यस, राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन लिखो. बस मैं तो लीनियर को याद करता हूँ भाई. लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी.
एंगुलर मोमेंटम मास की जगह कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी की जगह कितना ओमेगा, ये देखो। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी, आ गया। वाई द स्पोक्स आर यूज इन द व्हील, स्पोक्स क्यों यूज किए जाते हैं सेंटर ऑफ मास व्हील के लिए, स्पोक्स क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक ना, देखते हैं। द स्पोक्स इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ द रिम फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, देखो स्पोक्स से क्या होता है बेटा, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई, इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। अरे भाई क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गई इससे इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, द स्पोक्स इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ द रिम फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, हैंस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इंक्रीजेस, विच मेक द रोटेशन ऑफ द व्हील यूनिफॉर्म एंड मेंटेन्स द रोटेशन। देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि कम होता मतलब तो जल्दी जल्दी रोटेशन बदल जाता, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, आलस ज़्यादा है, तो रोटेशन जल्दी जल्दी नहीं बदलेगा, मतलब रेडियस कम रहेगी, जब अगर रेडियस कम रहती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहता तो रोटेशन वेरिएबल हो जाता, जल्दी जल्दी चेंज होता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, इनर्शिया क्या होता आलस, अनएबिलिटी। आपने वो रोप वाले केस में बताया था रेडियस कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, रेडियस कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, हाँ तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, और रेडियस ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, हाँ, तो टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी रेडियस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ज़्यादा है, मतलब जो रोटेशन मेंटेन किए है वही मेंटेन करा रहेगा, इधर कम है तो इधर पे हमें कम फोर्स देना पड़ेगा चक्के को मूव करने, चक्के को मूव करने के लिए कम टॉर्क देना पड़ेगा मूव कराने के लिए, मगर बड़ी गाड़ियों के लिए दिक्कत है ना, गाड़ी उछल जाएगी एकदम से, वो देखी होगी आपने वो बच्चों वाली गाड़ियां जो आती हैं, वो बच्चे वाले जो दो स्कूटर ऐसे लगे होते हैं और एक आगे लगा हुआ करता है, देखे है ना, अब देखा होगा जोर से चक्का मारते होगे तो तुरंत रुक भी जाती है, तुरंत चल भी देती है, और बहुत जोर से घुमा दिया तो चक्का ही घूम गया वहीं पर, स्लिप हो जाती है, समझ गए ना, तो ये प्रॉब्लम आती है कि एकदम से फ्लक्चुएशन हो जाता, बट हमको व्हीकल्स में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, हमें देखे विच मेक्स द रोटेशन ऑफ द व्हील यूनिफॉर्म, इस लाइन को पकड़ो भाई, विच मेक्स द रोटेशन ऑफ द व्हील यूनिफॉर्म, समझ गए ना, एंड मेंटेन इट्स रोटेशन, एंड बराबरी से हर चीज चलती है, हाँ यूनिफॉर्म मोशन बस काफी है ना, यूनिफॉर्म मोशन, समझ गए ना, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए गाड़ियों में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ्लक्चुएशन तुरंत तुरंत नहीं चाहिए है, गाड़ियों में ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ रोटेशन कर रही है तो रोटेशन करती रहे, ईजिली करती रहे, समझ गए ना, रोटेशन ईजिली करती रहे, क्लियर हो गया, यही तो मजबूरी है ना कि ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए पहले लगाना पड़ता है, समझ गए ना, ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए पहले काफ़ी पहले से लगाना पड़ता है, क्योंकि रोटेशन रोकने में क्या लगती है, दम लगती है, समझ में आया, बट वो चीज़ उसके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। चलिए अगला, द हैंडल ऑफ अ डोर इज फिक्स्ड अवे फ्रॉम द हिंज, भाई ये हिंज मतलब देखो ये होता है और ये हैंडल ऑफ द डोर, ये हिंज होती है जिसके अबाउट दरवाजा घूमता है, अच्छा है ना, कब्जा बोलते हैं, बोलते हाँ, और यहाँ पे आपका हैंडल ऑफ द डोर है, जितनी दूरी लगाओगे उतना बढ़िया दरवाजा टॉर्क जनरेट होगा, समझ गए ना, अब पास में लगा दोगे तो रेडियस तो कम हो गई, आपको फोर्स जी भर के लगाना पड़ेगा टॉर्क के लिए, यस द हैंडल इज फिक्स्ड। उल्टा क्यों हो रहा सर रोप के केस के अलावा, इधर उल्टा हो रहा है रोप, कहाँ पे, इधर पे, अब इस वाले केस में, रोप में आपने बोला था ना, इस वाले केस में आपको क्या चाहिए, इस वाले केस में आपको टॉर्क चाहिए, बोलो हाँ, अच्छा हाँ सही है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर, अब दो तरीके हैं, या तो आर बढ़ा दो या तो एफ बढ़ा दो, अब आर कम करके एफ बढ़ाओगे तो नुकसान तो आप ही का है ना, इसलिए एफ जितना है उतना है आर को बढ़ा दो, समझ गए ना, एफ जितना उतना है। अब आप मान लीजिए कोई भी स्क्रीन, मान लो ये लैपटॉप की स्क्रीन ही है, साउंड कम करिए, अब यदि आपके पास ये लैपटॉप की स्क्रीन है, आप इसको यहाँ से मोड़ना चाहोगे तो रेडियस कम है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अब कब्जे में अगर रेडियस बढ़ा दोगे यहाँ से खींचोगे तो कम फोर्स में भी सेम टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, डन, एक मिनट। सो द हैंडल इज फिक्स अवे फ्रॉम द हिंज बिकॉज इट इंक्रीजेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड हिंज, हेंस द टॉर्क इंक्रीजेस, इसलिए टॉर्क क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द रोटेशनल एक्सेस ऑफ द बॉडी,
कह रहा है कि बताइए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी अगर वो रोटेशनल एक्सेस पे ही है। चलो देखना, v का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। अब कह रहा है वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी बोला होता है। v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा। बेटा मान लो ये कोई बल्क बॉडी है, पत्थर है, तो यहां पर जो पार्टिकल है उसका आर रेडियस तो होगी और पीछे रेडियस कम होगी और पीछे रेडियस कम होगी। एक्सेस के ऊपर जो पार्टिकल बैठे हैं उनकी रेडियस क्या होगी, जीरो, जो एक्सेस के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो अगर आर की वैल्यू जीरो कर दोगे तो भी कितना आएगा, जीरो। मतलब उनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। वो अपनी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह ही नहीं छोड़ेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। तो उनका भी कितना होगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, तो उनका भी जीरो होगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, जीरो। तो आंसर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द रोटेशनल एक्सेस, आंसर इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम से क्या, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन अ बॉडी इज सेट टू बी अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। भैया दो चीजें हैं बॉडी को डिस्टर्ब करने की, एक तो फोर्स लगा दो और दूसरा टॉर्क लगा दो। टॉर्क जो होता है वो बॉडी को बैठे बैठे घुमा देता है और फोर्स स्लाइड करता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फोर्स तो अपन पढ़ चुके हैं कि बैलेंस फोर्स अगर है तो यानी सेट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। दूसरी बात जान लो, मतलब सपोज सर उंगली पे वो रखे हैं बुक, कोई भी बॉडी ये रुकी हुई है, दुनिया की कोई भी बॉडी रुकी हुई है, बैलेंस कंडीशन में है, कुछ नहीं चल रही है, मतलब उस पर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो दो चीजें जीरो होंगी, एक तो उस पर लगने वाला टॉर्क और एक उस पर लगने वाला फोर्स, ना घूम रही है ना हिल रही है, तो वो बॉडी किसमें कहलाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना।